माथाफोड़ विधायक की। जी हां, यूपी के समाजवादी पार्टी के ये विधायक सुर्खियों में हैं। कल चंदौली में सीएम की सभा स्थल की तरफ जाने से रोके जाने पर विधायक का पारा ऐसा गर्म हुआ कि डिप्टी एसपी के सिर से अपना सिर वो टकराने लगे। कल के बवाल को लेकर विधायक समेत करीब 150 एसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ऑफिसर के सिर से सिर टकराते ये समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव हैं। चंदौली के सकलडीहा से विधायक हैं। विधायक जिस पुलिस अफसर के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं वो डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह हैं। तस्वीरें शुरू से देखिए। डिप्टी एसपी की अगुवाई में पुलिस के जवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच इस बात पर तूतू-मैं-मैं शुरू हो गई। तभी अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए विधायक प्रभु नारायण यादव आगे आ गए। तस्वीरें देखिए। गुस्से में विधायक एक डंडा उठाते नजर आते हैं और फिर डिप्टी एसपी को देते हुए कहते हैं, मारो मारो। थोड़ी देर बाद इससे भी आगे नाटकीय मंजर सामने आता है। डिप्टी एसपी का सिर दोनों हाथ से पकड़कर विधायक अपने सिर में मारते नजर आते हैं। इसके बाद तो धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। एसपी कार्यकर्ता डिप्टी एसपी को दूर तक पीछे धकेल देते हैं। इससे पहले की ये तस्वीर देखिए। पुलिस अफसर और एसपी विधायक के बीच जमकर तू-तू-मैं-मैं हो रही है। जिस तेवर के साथ एसपी नेता बात कर रहे हैं पुलिस पर उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की यह तस्वीर चंदौली की है। चंदौली के रामगढ़ में कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए योगी की सभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो बवाल मच गया। तो मांग बता दिया कि हम लोग ने ज्ञापन दिया था, उस हिसाब से प्रशासन ने काम करने का काम नहीं। हम लोग 3 तारीख को बता दिया था कि जब आप काम नहीं करोगे, किसानों को खाद नहीं दोगे, आप डीएपी नहीं है, कालाबाजारी हो रही है, बिजली भी है, धान भी नहीं खरीदा जा रहा है, सड़कें नहीं बन रही, अब चलो चलो हमारे साथ, कहां सड़क बन, काम नहीं करोगे तो हम आपकी शकल देख के तो बात नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम जाकर उनसे कहेंगे भाई अब आपका अधिकारी बात नहीं सुन रहा। लोकतंत्र में हर दल को विरोध प्रदर्शन की आजादी है, लेकिन यह मर्यादित सीमा में रहे तो ही बेहतर है। उदय गुप्ता, चंदौली आज तक। चंदौली के जिस डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक ने बदसलूकी की उनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। इलाके में अनिरुद्ध सिंह काफी चर्चित पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है। चंदौली में सिर फोड़ो प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक प्रभु नारायण यादव के साथ चर्चा में है सकलडीहा सर्किल के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह। अगर आप अनिरुद्ध सिंह को नहीं जानते तो ये खबर गौर से देखिए। अनिरुद्ध यूपी पुलिस के चर्चित अफसरों में हैं। जरा सुनिए समाजवादी पार्टी के चंदौली जिला अध्यक्ष का ये बयान। इसमें कुछ एडवेंचर टाइप से पुलिस के रोल में दिख रहे हैं यहाँ के जो सीओ हैं अनिरुद्ध, जो लंबे समय से चंदौली के लोगों से परिचित है, चंदौली के लोग भी इनको जाते हैं। ये अपने जो ड्यूटी की जिम्मेदारी थी उसके बजाय ये जो आजकल जिस पर्दे पर आते हैं उस तरह से पेश आ रहे थे और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। खाकी वर्दी में रौब दिखाने वाले अनिरुद्ध सिंह रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ के भी चर्चित नाम है। उनका नाता रुपहले पर्दे से भी रहा है। सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में पहचान बनाने वाले अनिरुद्ध सिंह ने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है।
दरअसल वाराणसी कैंट में पोस्टिंग के दौरान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बेकाबू भीड़ को जिस तरह अनिरुद्ध ने संभाला, उससे फिल्म निर्देशक शेखर सूरी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने उन्हें पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर कर दिया। इस फिल्म के बाद अनिरुद्ध सिंह ने साउथ की एक फिल्म डॉक्टर चक्रवर्ती में भी पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया, साथ ही साथ वेब सीरीज की रेड लैंड में भी एक्टिंग की। अनिरुद्ध सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद 2001 में वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। उनकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में थी। इसके बाद वाराणसी, जौनपुर, चंदौली सहित कई जिलों में रहे। पुलिस महकमे में अनिरुद्ध सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना गया। अनिरुद्ध सिंह की लोकप्रियता का आलम यह है कि कल का वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। ट्विटर पर डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के समर्थन में कल हैशटैग आई सपोर्ट कॉप अनिरुद्ध ट्रेंड कर रहा था। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक।